हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याज प्लांट्स एंड पॉट। देखिए दोस्तों, मैं बहुत दिनों से कोशिश में थी कि मैं अपने प्लांट्स के लिए, अपने गमलों के लिए स्टैंड्स मंगवाऊं, और इस सिलसिले में मैं कुछ नर्सरीज भी गई थी। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है गॉड सिटी मॉल, उसके पास एक पूरा लेन है, सर्विस लेन, जहाँ पर कम से कम 20-25 नर्सरी है, वहाँ पर स्टैंड्स भी मिलते हैं। लेकिन वहाँ मैं गई थी और स्टैंड्स देखे मैंने, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, प्राइस बहुत ज़्यादा थे, और लगभग जो ऑनलाइन मिलते हैं वेबसाइट्स पर उनसे भी ज़्यादा रेट से। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि कुछ डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन ही मंगाए जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज मेरा जो पार्सल है वो रिसीव हो गया। मैंने अमेज़ोन से कुछ स्टैंड्स ऑर्डर किए थे, और वैसे तो मेरे जो जगह है बालकनी गार्डन, उसके हिसाब से वर्टिकल स्टैंड ही ज़्यादा सूटेबल है, उसी में ही ज़्यादा प्लांटर्स आ पाते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्टैंड्स भी ज़रूरी है, सब जगह आप वर्टिकल स्टैंड नहीं रख सकते। तो मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल स्टैंड्स मंगाए हैं, और ये देखिए, ये है टाइटन, ये इस तरह के स्टैंड है। इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हैं। हालांकि ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं, और सेम ही स्टैंड्स फिर मैंने फ्लिपकार्ट पर, उसकी जो वेबसाइट है शॉपसी, उस पर भी देखे थे। वहाँ पर थोड़े और कम प्राइस में मिल रहे थे, लेकिन अमेज़ोन से आया हुआ सामान थोड़ा रिलायबल होता है। पहले हम यहाँ अमेज़ोन से, मैंने सोचा कि कैंसिल नहीं करती हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और वेट में देखने पे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है। अच्छा, प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ये शायद 4 का सेट मैंने मंगाया है इनका, और ये पड़ा है मुझे 799 में। तो और अमेज़ोन का जो सेल फेस्टिवल चल रहा था, तो उसमें ये 100 रुपये और कम में था, लेकिन मैं चूक गई उस टाइम में ऑर्डर करने से, तो मुझे थोड़ा 100 रुपये कॉस्टली मिला। अदरवाइज ये इनका प्राइस मुझे 700 रुपीज़ पड़ता। तो ये देखिए, ये है स्टैंड, और ठीक है, इन पे मैट फिनिश है इनकी काफ़ी, और 1, 2, 3 अच्छे खासे बड़े साइज़ के गमले आएंगे, और एक पूरा स्टैंड जो वेट कैरी कर सकता है, ये 50 किलो तक का वेट कैरी कर सकता है। तो ऑब्वियसली 3 गमले आएंगे, तो 3 गमले में तो 50 किलो वेट होने से रहा, तो मुझे ठीक लग रहा है इन। तो इस तरह के ये स्टैंड हैं, और ये इसमें, इस पैकेज में 4 स्टैंड आए हैं। ये मैं इनका डेमो करके दिखा देती हूँ कि इन पर गमले कैसे आएंगे, और मैं इनका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपको समझा के चलूँ कि इनका स्पेसिफिकेशन कैसा है, और रख के ये कैसे लग रहे हैं, उसके बाद फिर इन पे गमले रख के कैसे लगेंगे। तो इनकी 2 फुट ऐसे लंबाई है, और ये इनकी 8 या 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और हाइट भी ठीक है इसकी, मतलब इसके नीचे से आराम से आप झाड़ू लगा सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, अगर कुछ भी कचरा वगैरह इसके नीचे गिरता है पाइप लगा सकते हैं। और नीचे ये जो इसमें होल जहाँ से फर्श पे अटैच होगा, वहाँ पर काफ़ी हार्ड प्लास्टिक के ये इसके शूज़ टाइप हैं, तो जिससे कि रस्टिक भी नहीं होगा। तो मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं, और स्टैंड ही तो है यार, कौन सा मुझे इसमें बैठना है, प्लांटर्स खाली गमले रखने हैं ना इसमें। तो ये 1, 2, 3, 4 ये हमारे स्टैंड्स हैं। अब मैं इन्हें बालकनी में लेके चलती हूँ, वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे हमारे गमले इसमें रखने के बाद लगेंगे। और ये देखिए कैसे, इसको दिखाने के लिए मैं लेके आई हूँ आपकी किचन की वाली में, जहाँ मैंने अपने बहुत सारे सिरेमिक पॉट रखे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं, इसमें बहुत जुगाड़ से गमले रखे हुए थे, नीचे खाली गमले थे, और उनके ऊपर मैंने लकड़ी का ये जो वुडन प्लैंक होता है ये रखा हुआ था, सिंपली बस एक जुगाड़ टाइप DIY स्टैंड बनाया हुआ था। लेकिन जो चीज़ें गार्डनिंग के लिए ही स्पेसिफिकली बनी है ना, उनकी अलग ही बात होती है। जब उनको गार्डन में ऐड करते हैं तो आपका गार्डन तभी एक सुंदर अच्छा गार्डन कहलाता है। हालांकि क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट नहीं होती है, बहुत से लोग DIY और जुगाड़ में बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, और मैं ऐसी जुगाड़ करने में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैंने
प्लांटर स्टैंड की सोची थी, और अभी देखिए ये प्लांटर स्टैंड मैं सेट कर रही हूँ, इन पे गमले हम रख रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, स्टैंड पर रखने के बाद ये मेरे प्लांट्स इन पॉट्स कितने बेहतर लग रहे हैं। गमलों के बीच में अच्छा खासा गैप है, ये 10 इंच के पॉट है तो ये दो स्टैंड पर 7 आ गए हैं। हालांकि इन पर अच्छे खासे बड़े गमले भी आप रख सकते हैं, एक स्टैंड पर 3 बड़े गमले बहुत आसानी से आ जाएंगे। अभी ये जो दूसरे बाकी के स्टैंड हैं इनको अरेंज करूँगी, काफ़ी कुछ चेंजेस करने हैं, वो बाद में वीडियो में इसकी प्रॉपर बनाऊंगी, अभी सारों को सेट नहीं करके दिखा रही हूँ। तो इन स्टैंड को अगर आप अमेज़ॉन पर सर्च करते हैं, ये वंडर स्टैंड के नाम से है, आप याद रखिएगा वंडर स्टैंड में टाइटन प्लांटर स्टैंड के नाम से है। और मुझे तो ये पत्ती वाले स्टैंड से ज़्यादा बेहतर लगे, क्योंकि इनमें पानी रुकेगा नहीं तो इनके रस्टिक होने के चांसेस कम रहेंगे, जंग कम लगेगा। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपने चीज़ों को कैसे रख रखाव करते हैं। तो ये शॉपिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप कोई नया है मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, और बदले हुए लुक के साथ मैं दिखाऊंगी कि स्टैंड्स के साथ मैंने अपनी बालकनी में कैसे अरेंजमेंट्स किए हैं। तो अगर आपको भी नीट एंड क्लीन सिंपल गार्डनिंग चाहिए तो आपको स्टैंड ज़रूर खरीदनी चाहिए, ये ओवरऑल आपके गार्डन के लुक को ही चेंज कर देते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग।